ये जो मसला है ये सदफ नसीम के साथ नहीं हुआ, ये इस मुल्क की तमाम उन बेटियों के साथ हुआ है जो इस मुल्क की कल्चर को अडॉप्ट करती हैं। इस तमाम उन बेटियों की इज्जत पर, असमत पर एक तरह का हमला है। जब हम इस मुल्क में अपनी कल्चर को ही फॉलो नहीं कर सकते जो हिंदुस्तान ने हज़ारों साल से हमें दी है, तो फिर ऐसे मुल्क में ये मुल्क हमारा जा कहाँ रहा है? इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी, और ये लड़ाई जो है कानूनी तौर पर भी लड़ी जाएगी, और जैसे ज़रूरत पड़ी तो हर तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए हमें, ताकि आने वाले वक्त में जो है हमारी बेटियाँ जो है महफूज रहें, उनके कल्चर से खिलवाड़ ना हो, उनकी आज़ादी से खिलवाड़ ना हो, वो आज़ादी जो हिंदुस्तान के आइन ने उन्हें दी है। हम नेशनल राइट्स कमीशन पे भी जाएंगे, वुमेंस कमीशन के पास भी जा रहे हैं, और माइनॉरिटी कमीशन के पास भी जाएंगे। इसके अलावा जो है और जो भी रास्ते हमको मिलेंगे हम उन सबको अडॉप्ट करेंगे, ताकि ये लड़ाई जो है बहुत मजबूत तरीके से जो है लड़ी जा सके। और मैं और अपनी बेटियों से, अपने सारे स्टूडेंट से जिन्हें जो है नंगा करके वहाँ से एग्ज़ाम दिलाया गया है, जिनकी इज्जत निलाम की गई है राजस्थान में, सारे उन नौजवानों से भी जो है गुजारिश करूँगा कि वो इस लड़ाई को, अपनी लड़ाई को लड़ें, और हिंदुस्तान में ऐसा फिर ना हो, और एक ऐसा माहौल कायम किया जा सके जिसमें सब सुकून से रह सकें और किसी की इज्जत और अजमत पर हमला ना हो, ऐसा माहौल बने।